हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्या जी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डीडी फ्री डिश के हटाए गए चैनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 1 मार्च 2019 से डीडी फ्री डिश से काफ़ी सारे चैनल्स को हटा दिया गया है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग अपने मनपसंद के चैनल्स को नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो चैनल्स कब तक वापस आएंगे, आप उनको किस तरह देख सकते हो और उन चैनल्स को क्यों हटाया गया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 मार्च 2019 से डीडी फ्री डिश से काफी सारे चैनल्स को हटा दिए गए हैं। इनमें काफी अच्छे अच्छे चैनल्स थे, काफी लोग पसंद करते थे इनको, जैसे सोनी पल, स्टार उत्सव, स्टार भारत और रिश्ते जैसे अच्छे अच्छे चैनल्स थे जिनमें घर में देखना सभी पसंद करते थे। दोस्तों, काफी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा लोग बोल रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कीजिए, चैनल्स वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहूंगा कि MPEG का जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होता। आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी कर लोगे तो ये चैनल्स वापस नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने तो बताया है कि आप सारे चैनल्स को डिलीट करके फिर से स्कैन कीजिए, ये चैनल्स वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये चैनल जो है ये सेटेलाइट के से रिमूव किए गए हैं, जो कि वापस आना नामुमकिन है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इनको वापस नहीं ला सकते। ये ऑपरेटर ने देना बंद कर दिया है डीडी फ्री डिश पे इन चैनल्स को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं साफ साफ आपको बता देता हूं कि आप कोई भी ट्रिक यूज करो, आपके चैनल वापस नहीं आएंगे। और ये ऑपरेटर इंड से बंद किया गया है, ऑपरेटर ही इनको दे सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चैनल्स को क्यों रिमूव किया गया है, क्यों हटाया गया है। दोस्तों, 1 मार्च 2019 से ट्राई का एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है, जिनमें पेड वर्जन, जो पेड में चैनल्स देखते थे, जैसे कि जिन्होंने DISH TV, टाटा स्काई वगैरह लगवाया था, ये नियम उनके लिए आया था, उनके लिए ये फायदेमंद नियम है। जैसे वो पहले क्या था कि जो चैनल्स देखते थे उनके भी पैसे देते थे, और जो चैनल नहीं देखते थे उनके भी पैसे उनको देना पड़ता था। लेकिन इस नियम में क्या आया कि आप जितने चैनल्स देखोगे सिर्फ आपको उसके ही पैसे देने होंगे, जो नहीं देखोगे उसके पैसे आपको नहीं देने हैं। तो हुआ क्या कि जो गाइडलाइन आई है, जो ट्राई का गाइडलाइन है, उसने ऑपरेटर से बोला कि आप नए नए कॉम्बो बनाओ, नए नए पैकेज बनाओ जो लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और सिर्फ उनसे उन चैनल्स के ही पैसे आप लो। तो इससे ऑपरेटर्स को लॉस होने लगा। उन्होंने क्या किया कि जो फ्री डिश पे जो चैनल्स उन्होंने दिए थे पेड वाले, उनको वहां से हटा लिया। वहां से हटाने के बाद अब इन चैनल्स को पेड में डाला जा रहा है। अगर आपको इन चैनल्स को देखना है तो आपको पेड में लगवाना होगा, आपको वीडियोकॉन, DISH TV या कोई भी सैटेलाइट का नेटवर्क आपको लगवाना होगा। आप पेड करके तभी इन चैनल्स को देख सकते हो। अभी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप prasarbharati.gov.in पे जाके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे आपको सारे रूल्स और कौन कौन से चैनल्स आपको मिलेंगे, ये सारे डिटेल्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि डीडी फ्री डिश पे कौन से चैनल्स है और ये चैनल्स कब वापस आ सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद भी की जा रही है कि 25 मार्च से ये चैनल्स फिर से डीडी फ्री डिश पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो पेड का और फ्री का एक कॉम्बो बना रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने डीडी फ्री डिश से इन चैनल्स को रिमूव करके कुछ दिन के लिए होल्ड कराया। और काफी उम्मीद की जा रही है कि 25 मार्च से वो फिर से, जो चैनल्स को हटाया गया है वो चैनल्स डीडी फ्री डिश पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको प्रसार भारती से देखा है और वहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन है वहाँ पे। तो अगर आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप prasarbharati.gov.in पे जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दूं, और अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।